हाय फ्रेंड्स, आज हम मैक्रोनी बनाएंगे। इसके लिए हमने कुछ मैक्रोनी लिए हैं और उसके मसाले के लिए हमें कांदा लेना है, हरा धनिया है, टमाटर है, हरी मिर्ची और लहसुन। मैक्रोनी हम थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे और उसके लिए हमें मैजिक मसाला भी लेना है। पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें पानी डाल दिया उबलने के लिए। पहले से ही पानी हमारा गर्म हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे जिससे हमारा मैक्रोनी चिपकेगा नहीं, अलग अलग होगा। तब तक हम बाकी कांदा वगैरह काट लेते हैं। प्याज को हमने बारीक काट लिया है और लहसुन और मिर्ची को इस तरीके से करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और टमाटर को हम कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से हमें कद्दूकस करने से जो इसका पेस्ट होता है ज़्यादा गलता नहीं है और अच्छा बनता है। इसको कद्दूकस करने के बाद हम ये छिलका निकाल देंगे। पानी हमारा गर्म है, इसको हमें हाफ बॉईल करना है। इसे हम थोड़ा हाफ बॉईल करेंगे और फिर इसको अच्छे से धो के निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने साफ करके इसे कितना अलग अलग हमारा मैक्रोनी हुआ है। और ये देखिए, अब हम कढ़ाई रख दिए हैं गर्म करने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा लाल होने के बाद हम कांदा डाल देंगे। कांदा हमें थोड़ा गोल्डन करना है। देखिए, इस तरीके से हमने कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हम हरी मिर्ची और लहसुन का जो हमने कूटी थी उसको अब हम डालेंगे और थोड़ा चलाएंगे। गोल्डन होने लगा है। प्याज हमारा गोल्डन हो गया, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और घर का थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये थोड़ा इससे कलर अच्छा आता है, तीखी नहीं होती है। बाकी हम इसे चलाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा 2 पैकेट मैगी मैजिक मसाला डालेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, अब इसके बाद हम अपना मैक्रोनी डालेंगे। और इसे चलाएंगे। हमने अच्छे से 2-3 मिनट इसे चला लिया है। हमारा मैक्रोनी बनके रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे। सर्व करके हम दिखाते हैं।
एक बाउल में हम निकालते हैं। हमारा मैक्रोनी बनके रेडी है। आप हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हमारा नए रेसिपी का वीडियो आता रहे। बाय बाय।